नमस्कार, मैं हूं हरजीत वर्मा और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मानव सेवा संघ करनाल से। आप देख सकते हैं यहां पर बच्चे जिस तरह से योग कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं क्योंकि आज चैंपियनशिप यहां पर हो रही है। और किस तरह की ये चैंपियनशिप है, किन किन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करें। नीरज जी हमारे साथ हैं, नीरज जी से पूछते हैं। नीरज जी, ये मानव सेवा संघ में आज इन बच्चों का योग कराया जा रहा है, तो ये सब लोगों को मैं बता दूं कि इस बार क्या हुआ है कि हमारे स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से और डॉक्टर जयती पारिया जी के प्रयासों से जो योग आसन है उसको स्पोर्ट्स में मान्यता मिल गई है और गेम्स की तरह भारत सरकार ने उसको मान्यता दे दी है। तो उसको देखते हुए अब हमारी जो फेडरेशन बनी गई है, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन बनी है, उसके जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर जयती पारिया जी हैं। तो आज उनके संरक्षण में ये हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट करनाल योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 110 के करीब पार्टिसिपेंट्स आए हैं अलग अलग जिलों से। निसिंग से ही 39 स्टूडेंट्स आए हैं। तो ये जो है आज एक तो कंपटीशन भी है और एक सिलेक्शन है। ये जो बच्चे आज हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, ये अब हरियाणा जो राज्य है उसके योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में भाग लेंगे और उस चैम्पियनशिप में जो बच्चे जीतेंगे वो भारत में जो होने वाली है खेलो इंडिया और नेशनल योगासन चैम्पियनशिप जो है उसमें भाग लेंगे। तो कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और कितने बच्चे अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं? जी, हमारे ये तीन इवेंट होते हैं। इसमें 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लड़के लड़कियां, 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के लड़कियां और 18 से ऊपर के सभी ग्रुप्स के मैन वुमेन भाग ले सकते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल देते हैं। तो आप ये देखिए कि एक ग्रुप में हमारे 6 लोग बन जाएंगे लड़के लड़कियां और तीन ग्रुप हैं तो ये 18 लोग बन जाएंगे आर्टिस्टिक में। इसी तरह से हमारे 4 और इवेंट हैं, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक और आर्टिस्टिक ग्रुप। तो उसमें से भी हम एक एक ग्रुप जो है वो भी बच्चा जीतेगा। तो इस तरह से हमारी 50 के करीब एक हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो आप देख सकते हैं बच्चे योगा कर रहे हैं। डॉक्टर जगदीप आर्या जी से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब का आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप आज इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन उसकी जिला इकाई का करनाल का इकाई का आज चैम्पियनशिप हो रही है, जिसमें सब जूनियर चैम्पियनशिप चल रही है। और आज मैं देखता हूँ बच्चों में बहुत उत्साह है। मैं इनसे बात कर रहा था कि केंद्र सरकार ने पहली बार योगासन को खेल का दर्जा दिया है और अब इन बच्चों को जैसे हॉकी के बच्चों को, फुटबॉल के बच्चों को प्लेयर बनने के बाद ग्रेडेशन मिला करती थी, एडमिशन में हेल्प मिला करती थी, नौकरियां मिला करती थी और अवार्ड मिला करते थे, अब इनके लिए भी रास्ता खुल गया। मोदी जी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, माननीय खेल मंत्री जी का, जिन्होंने नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन को ये दायित्व सौंपा है। पहले लोगों ने दुकानें बना रखी थी, ए व्यक्ति ने और बी व्यक्ति ने, डी व्यक्ति ने जो दुकानें बना रखी थी उनकी दुकानें अब बंद हुई हैं। उनको पीड़ा तो हो रही होगी कुछ लोगों को, परंतु हजारों बच्चों का भला हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और आप बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उनके जीवन में काम आएगा। और ये विद्यार्थी आज महात्मा गांधी के जयंती दिवस पर, लाल बहादुर शास्त्री के जयंती दिवस पर इस प्रतियोगिता के आगाज़ में शामिल हुए हैं। मैं सभी प्रतिभागियों का और उनके माता पिता का, कोचिस का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। यहां की जो टीम है उसमें भाई रजनीश जी, भाई नीरज सोंधी जी, अश्विनी मिश्रा जी, दिनेश गुलाटी जी, रूबल जी, रुचिका जी, इनका विशेष योगदान है, इनका बहुत बहुत आभार। तो आज आगे डिस्ट्रिक्ट के लिए किन किन बच्चों को और कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा? देखिए, हर 5 कैटेगरीज हैं, इसमें से 3 बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड को चयन किया जाएगा। इनका कल पता चलेगा नाम। अच्छा, कल पता लगेगा। तो जयदीप आर्या जी हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे यहाँ पर योगा कर रहे हैं और अभी कल इनका नाम अनाउंस होगा। एक और भाई साहब हैं। हाँ जी सर, क्या बताना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? मैं सबसे पहले आपके चैनल से
सभी अपने देशवासियों को ये आगाज कराना चाहूँगी जो हमारा योग जो मैं हम लोग योग से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हमारे हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी के नेतृत्व में योग की कक्षाएं करनाल में चल रही हैं, 170 कक्षाएं योग की चल रही हैं करनाल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा कि प्रातःकाल के समय उठकर एक घंटा योग अवश्य करें। सारे शरीर की ऊर्जा हमारे अंदर, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है सुबह का योग किया हुआ। और मैं आपको भी ये आपका जो चैनल क्या नाम है, एच एन के प्रेस से हमारे भाई साहब हैं, इनको भी मैं गुजारिश करूँगा ये भी योग से हमारे कार्यक्रम को जोड़े योग के साथ और लोगों को घर घर तक योग पहुँचाएँ, जन जन तक योग पहुँचाएँ, योग करके लोग स्वस्थ रहें और एलोपैथिक दवाइयों से बचें। आपका बहुत तो योग के महत्व यहाँ पर बताए हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे ये देखिए कि योग करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, एक टीचर भी हैं। हाँ जी, आप बच्चों को योग करा रहे हैं तो किस की तरह से बच्चों की किस कैटेगरी को आज सेलेक्ट किया जा रहा है और कितना टाइम इसमें योग? हमारे सब जूनियर और सीनियर, ठीक है, इसमें 9 to 14, 14 to 18 एंड अबव 18 हम यहाँ पे परफॉर्म करवा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, आप देख सकते हैं अभी मेरी जजमेंट चल रही है, 9 to 14 गर्ल्स का इस टाइम चल रहा है, सब जूनियर गर्ल्स का, तो आप देख लीजिए। तो रिजल्ट कल आएगा? नहीं, रिजल्ट आज ही कर देंगे। हाँ जी, तो रिजल्ट आज ही पता लगेगा, आप देख सकते हैं। अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से आज लोगों अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, तो योग तो ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने पूरे को बॉडी को फिट रख सकते हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे कि वो योग करें? योग तो एक अद्भुत चमत्कार है, योग तो एक अद्भुत आभा है जो हम एक निःशुल्क मिलता है, ना कोई पैसा लगता है, ना कोई कुछ होता है, और बिल्कुल एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे इधर आओ मंजू मानिक जी, ये हमारी मंजू मानिक जी हैं, इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सी है, इनकी इतनी फ्लेक्सी है बॉडी कि ये योग से देखो उसका लाभ ले रहे हैं। तो योग तो हम यही कहेंगे कि जन जन को योग करना चाहिए और निरोगी जीवन जिए। तो आप भी क्या मैसेज देंगे लोगों को योग करें? हम तो कहते हैं हर उम्र में हर किसी को योग करना चाहिए, योग हमें बीमारियों से बचा के रखता है, दवाइयों से दूर रखता है, दवाइयों के फिर भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो योग करना चाहिए, आप देखिए कि जिस तरह से अभी अगला मैच आएगा, मुझे कुछ बच्चे भी हैं, बच्चों से बात करते हैं। और हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? अमीक्षा। क्या नाम है दोबारा बताओ? अमीक्षा। कहाँ से आए हो आप? गुनियाना। हाँ जी, गुनियाना। गुनियाना निसिंग से। अच्छा, तो क्या करने आए हो आप यहाँ पे? योगा। तो योग करते हो आप पहले? यस। रेगुलर करते हो? यस। तो आप क्या मैसेज दोगे सबको कि योग करना चाहिए? योग करना चाहिए। आपका हो गया यहाँ? नहीं, अभी हुआ नहीं आपका, इसके बाद है। हैं? यस। आपका क्या नाम है बेटा? लक्षिता। हैं? लक्षिता। आप भी साथ ही हो? ब्रदर आपका? नहीं, लड़की है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या मैसेज दोगे लोगों को, योग करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए हेल्थ के लिए। भाई साहब हमारे साथ। हाँ जी भाई साहब, क्या मैसेज दोगे लोगों को योग के बारे में? हम योग के बारे में ये मैसेज देंगे, ये इतना सुंदर आयोजन किया है तो इसके कारण पूरे हरियाणा में ये मैसेज आना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को योग, बीमारी मुक्त हरियाणा, बीमारी मुक्त भारत है जी। तो अपना खान पान पे, दिनचर्या पे ध्यान रखें और हर रोज़ योग करें। आपके बच्चे योग करते हैं तो बीमारियों से बचते हैं, वो हमारा बजट किसी और घर के अच्छे काम में लग जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ सबको योग करना चाहिए, सब योग से जुड़ें। धन्यवाद। सबको योग करना चाहिए, सब योग से जुड़ें। और कल भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर आपको दिखाया था किस तरह से आप अपनी खाना पीने को अपनी बॉडी के लिए रख सकते हैं। एक भाई साहब हो रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी भाई साहब, तो योग के बारे में क्या बताएंगे आप लोगों को, जिस तरह से लोग योग नहीं कर रहे, अपनी बॉडी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, तो क्या बताएंगे कि योग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल योग करना चाहिए। योग अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, अपने मन को स्वस्थ रखता है। जब अपना मन स्वस्थ रहेगा, अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अपने आप ही अपने मन से अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे नहीं। तो जब बुरे विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, तभी देश के बारे में सोचोगे, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, अपने आसपास के बारे में सोचोगे, तभी सोच पाओगे। मन का प्रसन्न रहना, साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, जो हमें योग के माध्यम से ही मिल सकता है। तो इसलिए योग बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए कि कल की वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आपने खाना पीना कैसे है, और आज की वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया कि आप योग करके किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर भी करें, और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।